1 लाख पर मंथ तो आराम से आपको मिल जाता है। कोई गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी। हे डियर माय लवली व्यूअर्स, हाउ यू ऑल डूइंग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। सो वेलकम बैक टू अनादर न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आफ्टर आईसर। अगर आप IISER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आप क्या बनेंगे या फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? जैसे हमें पता है कि अगर हम MBBS करते हैं, हम एक मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद हम एक डॉक्टर बनते हैं जो पेशेंट का इलाज करता है। सो व्हाट आफ्टर आईसर, अगर आप आईसर में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा? सो लेट्स अनफोल्ड दिस थिंग। तो सबसे पहले अगर आप एडमिशन ले रहे हैं आईसर में आफ्टर यूर 12th, ओके, आपको 12th के बाद ही आईसर में एडमिशन मिलता है फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, पोस्ट डॉक, इन सब कोर्सेज के लिए। सो देखिए, अगर आपका भी 12th हो चुका है और यू वॉन्ट टू गेट इन टू आईसर, अगर आपको आईसर में लेना है तो आपको एक एग्जाम क्रैक करनी होती है, IAT, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट नाम का एक एग्जाम होता है जिसको आपको क्रैक करना होता है और उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंस्टीट्यूट। नाउ अगर आपने ये एग्जाम क्रैक कर लिया तो उसके बाद क्या होता है, जो मोस्ट फेमस या जो सभी आईसर्स मोस्टली एक प्रोग्राम जो ऑफर करते हैं फॉर इंटीग्रेटेड एमएससी के लिए एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है BSMS, बैचलर ऑफ साइंस एंड मैस्टर ऑफ साइंस, इट्स एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है 5 साल का जिसमें आपका BSc और MSc दोनों हो जाएगा, बट इट्स अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल BSc और MSc हम जो करते हैं अलग से। 3 साल का हम जो BSc करते हैं उसके बाद MSc करते हैं, तो उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। इसका जो अकेडमिक्स है जिसमें आपको जो पढ़ाया जाता है वो और आपका लैब्स में जो एक्सप्लोजर होगा दैट इज़ वेरी डिफरेंट देन द यूजुअल BSc MSc जो हम करते हैं। सो ये एक प्रोग्राम है BSMS जो सभी आईसर प्रोवाइड करते हैं। सो इसके अलावा जो आईसर भोपाल है वो BS इन इंजीनियरिंग साइंसेस एंड BS इन इकोनॉमिक साइंसेस, ये भी प्रोग्राम्स अलग से प्रोवाइड करता है। ये आई डोंट थिंक किसी और आईसर में है, नहीं है एक्चुअली। तो ये जो कोर्सेस है वो आईसर भोपाल आपको प्रोवाइड करता है, BS इन इंजीनियरिंग एंड BS इन इकोनॉमिक साइंसेस। सो इंजीनियरिंग और इकोनॉमिक साइंसेस का हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप BSMS करते हैं आईसर से तो उसके बाद क्या होगा। सो लेट स्टार्ट। सो अगर आपने इनरोल कर लिया है BSMS के लिए एज आई एम डूइंग हियर एट आईसर भोपाल, तो आपका 5 साल के बाद डिग्री आपका खत्म हो जाएगा, आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उसमें दोनों हो जाएगा और आपको 5 साल बाद, सीधा 5 साल बाद यू विल गेट योर डिग्री आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 5 ईयर प्रोग्राम। सो इसके बाद अब देखिए, 1 by 1 हम चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम, मोस्टली लोग करते हैं, मोर देन 50% लोग जो है जिन्होंने BSMS किया है वो इसी ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं। सो दैट इज डूइंग PhD। सो आपका अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो जाते हैं PhD के लिए। तो एज आपने इतनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आपने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है फॉरेन कंट्रीज में PhD करने की, या इंडियन इंस्टीट्यूट्स भी अगर कोई है तो आपको बीइंग अ आईसराइट और द स्टूडेंट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ आईसर, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है फॉरेन में भी एज वेल एज इंडिया में भी। सो जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो US, कनाडा और बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह पे लोगों को PhD मिल जाती है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन आफ्टर योर BSMS। सेकेंड, नाउ चलते हैं सेकेंड ऑप्शन की तरफ। सो नाउ इफ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड इन टीचिंग, आपको लगता है कि टीचिंग करना मुझे पसंद है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, सो दिस इज द ऑप्शन फॉर यू गाइज। सो आप अकेडमिक्स और टीचिंग में भी करियर ऑप्ट कर सकते हैं। सो देखिए,
आपका अभी हो चुका है BSMS, तो उसके बाद तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप आइजर से भी है और आपका MSc अभी कंप्लीट भी हो चुका है, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, या फिर जो नीट या JEE की कोचिंग्स में, या फिर आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा सकते हैं। लाइक हमें जो प्रोफेसर है मोस्टली उन्होंने उनका PhD पोस्ट डॉक कंप्लीट किया है, तो उसके बाद वो अपना रिसर्च भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमें पढ़ा भी रहे हैं। सो उनको जो रिसर्च के लिए स्टाइपेंड मिलता है वो अलग, और जो यहाँ पे वो पढ़ा रहे हैं उसकी भी सैलरी उनको अलग मिलती है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी, इसमें आपको सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। और अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है बच्चों को, तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आप अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप कॉलेजेस, और इन एडिशन टू दैट आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा सकते हैं, जहाँ पे 1 लाख पर मंथ तो आराम से आपको मिल जाता है एज अ सैलरी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड ऑप्शन, दैट इज इन द अकेडमिक्स और टीचिंग। मूव टू द थर्ड ऑप्शन। सो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी आप एज अ साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। हमने जो फर्स्ट देखा था कि BSMS के बाद PhD करेंगे, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट भी स्टाइपेंड देता है, पर अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है तो वहाँ पे आपको कंपनी सैलरी देंगी। अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कोई बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी है, या कोई डेटा साइंस की कंपनी है और जिनको चाहिए ऐसे साइंटिस्ट काम करने वाले, तो ऑफकोर्स वो आपको लेंगे, आपको अच्छी खासी इसमें सैलरी भी मिलेंगी और वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। अगर आपका पैशन है, आपका रिसर्च अगर पैशन है और आपको पैसा भी चाहिए जल्दी से जल्दी, तो दिस इज द वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। आप इंडस्ट्री में बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपना पैशन भी परस्यू कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर द थर्ड ऑप्शन। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ ऑप्शन, विच इज ऑफ गवर्नमेंटल जॉब्स। अगर आपको लगता है कि एक मुझे गवर्नमेंटल एक जॉब चाहिए, फिक्स जॉब जिसमें कि सिक्योरिटी होगी, तो आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट द सिविल सर्विसेज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली साइंटिफिक जॉब्स। ओके, सो आप इसमें एक साइंटिफिक ऑफिसर का भी काम कर सकते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट सैलरी देगी। इसमें आप काम कर सकते हैं बार्क, इसरो, नासा, DRDO, इन सारी जगह पे आप एज अ साइंटिफिक ऑफिसर काम कर सकते हैं, एंड दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि रिसर्च भी आपको चालू रखना है, आपको एक गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, देन दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ ऑप्शन जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर आपको लगता है कि आपका खुद का कोई स्टार्टअप होना चाहिए, आपको कोई कंपनी आपको खुद की चाहिए, तो दिस इज समथिंग फॉर यू। सो आपने अभी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, आपने PhD वगैरह आगे की सारी स्टडी कर ली, और अब आपको लगता है कि ये नॉलेज हमें अप्लाई करना है। सो दिस इज समथिंग फॉर यू, जहाँ आप अपना नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं और खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हैं एज अ स्टार्टअप और समथिंग लाइक दैट। सो इट्स ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप। सो दैट्स इट फॉर फिफ्थ ऑप्शन। लेट्स मूव टू द सिक्स्थ ऑप्शन। जो सिक्स्थ ऑप्शन है वो है गवर्नमेंटल सिविल सर्विसेज का। आपने अपना BSMS कंप्लीट कर लिया है और आपको अगर UPSC या स्टेट सर्विसेज के लिए अभी ट्राई करना है, तो आप कर सकते हैं। आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छा बन जाएगा BSMS के बाद, आपकी डिग्री के बाद। तो आपका जो ऑप्शनल होगा उसमें आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी इसकी भी। और अगर आपका सपना है IAS, IFS और एनी अदर सिविल सर्विसेज में जाने का, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू, ये भी आप कर सकते हैं। आप BSMS के बाद भी सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, ये सारे ऑप्शंस थे, ये जो आपको मैंने कुछ ऑप्शंस बताए हैं, मोस्टली ब्रॉडली मैंने आपको ये ऑप्शंस बताए हैं जो आप आफ्टर BSMS या आफ्टर आइजर से बाहर निकलने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस मैंने ब्रॉडली और वेरी ब्रीफली बताए हैं आपको। सो अगर आपको किसी एक में इंटरेस्ट है, तो आप उसको उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं अलग से इन सारे ऑप्शंस में से। क्योंकि अगर मैं खुद इन सारे ऑप्शंस को डिटेल में बताने लगूंगी, तो वीडियो विल बहुत बड़ा बन जाएगा वीडियो। सो इसलिए मैंने ब्रीफली बताया है। अगर आपको इसमें से कुछ ऑप्शंस में इंटरेस्ट है, सो गो एंड रिसर्च अबाउट इट। आप रिसर्च कीजिए कि इस ऑप्शन में और क्या हो सकता है, कौन सी एग्जाम्स आपको देनी पड़ सकती है, या कैसा क्या कुछ करना होता है। सो या
दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत लोगों का ये मुझे रिक्वेस्ट आया था कि व्हाट आफ्टर बीएसएमएस और आईसर के बाद क्या करना होता है, इस पे वीडियो बनाए। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट एंड होप यू लर्न समथिंग न्यू थ्रू दिस वीडियो। इफ यू डिड, गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट अर्लीस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज। Also, if you have any questions, any doubts, any suggestions, anything, feel free to share in the comment section below. Yeah, that's it for today. And one more thing, if you haven't watched my video of how to prepare for the IAT, then do watch it. Hope that will be helpful for you. And yeah, that's it for today. I'll see you soon in the next video. Till then, take care of yourself, keep learning, and stay fabulous. Bye-bye.